तो दोस्तों पोखरा में पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, और जो आप देख सकते हैं कालेश्वर शिवालय चक्रशिला प्रवेश द्वार, ये इसका मुख्य द्वार है। और आसपास के नज़ारे भी दिखा सकते हैं, देख सकते हैं गाइस। अभी हम अंदर चलते हैं, देख सकते हैं सारा टोटली पहाड़ों पर बसा हुआ है। और ये हमारे दीपू भाई, ये देख पूजा और भक्ति में लगे हुए हैं सब। ये चट्टानों कट के ऊपर मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं जीने पर और करते हैं भगवान जी के दर्शन करते हैं। आसपास के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं, टोटली पहाड़ों पर बसा हुआ है दोस्तों। अभी हम चलते हैं अंदर और खुद भी दर्शन करते हैं और आपके भी करवाते हैं। तो देख सकते हैं इस ऊपर कितना प्यारा और सुंदर बना हुआ है ये मंदिर। और ये आप देख सकते हैं घंटा, ओम नमः शिवाय। तो देख सकते हैं धूप स्थल है ये, और ये पंडित जी, ओम नमः शिवाय। ये देखो आप शीशा भी लगा हुआ है, और ये हमारे दीपू भाई बाल सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों टोटली जो देखा जाए ना बहुत अच्छा, ओम नमः शिवाय। काफ़ी प्राचीन बातें लिखी हुई हैं, जितने साल ये पुराना मंदिर है और इसकी व्याख्या की गई है पूर्ण। गूगल पे पेटीएम की सुविधा भी दी गई है, आप दान कर सकते हैं। अभी हम वीडियो बनाने की परमिशन आनी है दर्शन करके, फिर मंदिर के बाहर और के सारे टोटल दर्शन आपको करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख सकते हैं साइड में अभी यहाँ के दर्शन करवाएंगे। किस चीज़ के निशान है, किस चीज़ निशान, किस चीज़ के? अच्छा अच्छा। तो दोस्तों इनको हमारी भाषा बिल्कुल भी समझ में आई क्योंकि नेपाली है। कोई बात नहीं, आगे हम पता करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये त्रिशूल के निशान है भगवान भोलेनाथ जी के। और अभी आपको हम आगे के दर्शन करवाते हैं। नजारे दिखाओ वादियों के भाई, देख सकते हैं। ये बादल देखो पहाड़ों को छू रहे हैं भाई, इतनी ऊंचाई है, क्या कर रहे हैं। ये नदी है, नदी खड़े वो भी एक पहाड़ है, और ये जिस पर हम गाइस हम खड़े हैं ये भी एक पहाड़ है। और ये मन इतनी ऊंचाई पे हम लोग देखो, और ये जितनी ये बहरी है ये भी एक पहाड़ है। नदी जो बह रही है ये भी पहाड़ की बहरी है, ऊंचाई तो हम गिनवा भी नहीं सकते। आओ अभी आगे दिखाते हैं। भाई हमारे तो दिल खुश हो गए मंदिर का दर्शन करके। आप देख सकते हैं
जंगली पक्षी कबूतर। गाइस क्या बताऊं, ये अपने आप जलती रहती है, अपने आप जलती रहती है गाइस, ये बुझती नहीं कभी। विष्णु जी, सॉरी विष्णु जी है ना, विष्णु जी देख सकते हैं भाई, ये विष्णु महाराज है। तो देखो जाल में से निकाल लेते हैं, देखो दिव्य स्वरूप, जय माता दी। हैं नागदेवा, नागदेवा गाइस, ये सत्य गाइस, ये नागदेव है। देखो सर कहाँ विराजमान है, क्या बताएं यहाँ की खूबसूरती के नज़ारे भाई, जितना बताया उतना कम, एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि हम बता भी नहीं सकते। ये देखो ये हम पहाड़ों पे आए हैं, ये पत्थर चट्टानें कटी हुई हैं, ये पूरी टोटली चट्टान है, चट्टान कट के मंदिर है इसके ऊपर। ओ माय, देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा मंदिर है, ओम नमः शिवाय। भाई ऐसे जगह तो हमको भी आए पहले, कृष्ण भगवान विष्णु भगवान आप, ओम नमः शिवाय। श्री गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोष गलेश्वर धाम माया विद्वार स्थापित, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कितने प्रकार के शिवलिंग हैं। ओ भाई ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Thank you.